मंडी जिला में गोहर उपमंडल के अंतर्गत किलिंग पंचायत में प्रधान पद के एक उम्मीदवार ने मुख्य चुनाव आयोग से एक बार फिर से मतगणना की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक किलिंग पंचायत में मतगणना के दौरान भारी धांधली हुई है। प्रधान उम्मीदवार के अनुसार गिनती के समय एक उम्मीदवार को महज एक वोट से जिता दिया गया, जबकि दूसरे उम्मीदवार के वोट पूरे नहीं किए गए। आरोप गंभीर है। अब देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार, निर्वाचन आयोग और प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। मेरा नाम हरी सिंह है और मैं ग्राम पंचायत किलिंग में प्रधान पद के लिए उम्मीदवार था और वहां पर मैं केवल एक मत से हारा हूं। कारण ये रहा कि वहां पर काउंटिंग के समय वहां पर जो कर्मचारी वर्ग था, शायद उनकी लापरवाही के कारण ही हुआ होगा। मुझे लगता है कि मेरे साथ वहाँ पर धांधली हुई है, क्योंकि जब काउंटिंग चली हुई थी तो वहाँ पर काउंटिंग के टाइम जब कैंडिडेट के वोट गिनती किए गए तो वहाँ पर केवल मेरे ही वोटों की गिनती की तथा जो विजेता कैंडिडेट जो एक वोट से विजेता हुआ है केवल उनके ही वोटों की गिनती की गई। अन्य जो तीन कैंडिडेट थे उनके मतों की गिनती चुनाव चिन्हों के साथ वन बाई वन नहीं की गई। तो मैं अभी सस्पेंस में हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से जो है तो मेरा चुनाव आयोग और सरकार से और प्रशासन से ये दावा है कि कृपया एक बार फिर से रिकाउंटिंग करवाई जाए वन बाई वन विद सिंबल के साथ। आज हमारे पास एक इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है जो कि किलिंग में प्रधान पद का चुनाव हुआ था, उसमें एक वोट के अंतर से एक प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया था। उसमें जो हारे हुए प्रत्याशी हैं हरी सिंह, उन्होंने आज एक इलेक्शन पिटीशन हमारे पास दायर की है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी आप पूरी छानबीन के बाद वो की जाएगी। सिटी चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।